आज रफ्तार न्यूज की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के आहवा डांग जिले के अंदर। आहवा डांग जिले के अंदर आज हमारे साथ ये भाई है, आरएसएस के कार्यकर्ता। हमने सुना आप आरएसएस से जुड़े हुए हो। हाँ, मेरा नाम सावंत भाई रामचंद भाई भोए, मैं मूलचंद गांव का रहने वाला हूँ। आहवा से 7 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव है, मूलचंद गांव। हाँ, आरएसएस से कैसे जुड़े? मतलब मैं पहले विद्यार्थी अवस्था में था 1958 में, तभी हिंदू सभा की बैठक बैठी थी आहवा में, वो तालुका स्कूल के सामने। हम भी पढ़ाई के वक्त है, लेकिन उस दिन टाइम था तो हम चलो जाके आए ऐसे। बाद में वहाँ हम बैठे, शांति थी, सभा चल रही थी, दोपहर का 12 बजे का टाइम हुआ था, और वहाँ अचानक क्रिश्ती लोगों ने हमला किया, पथराव और लोहे के वो सड़िए लेके वैसे तैसे वो लोग आए, हमला किया। तभी अचानक वहाँ पुलिस वालों ने आंसू गए ऐसे वैसे छोड़े, सभा तितर बितर हो गई। सब वो शांति से बैठक चल रही थी, वो तितर बितर हो गई, गाँव गाँव में दंगा हो गया। उनमें से हमको प्रेरणा मिल के हिंदू भाई और शांति से वो सेवा कर रहे थे, तो भी वो लोग आए, इतने से कम संख्या में थे भी वो लोग हम पे हमला किया, तो हमको भी सके हम भी देश के लिए कुछ करें। उनमें से जन्म के लिए कुछ करें। हाँ हाँ, उनमें से फिर मुझको प्रेरणा जगी, तब से 1998 से अभी तक मैं उसमें जुड़ा हूँ। 1998 से आरएसएस से जुड़े हुए। हाँ, 1998। आपने मूलचंद की बात की, तो मूलचंद के अंदर संत आसाराम जी बापू भी आए थे, 2003 में शायद आए। हाँ, वो आए थे, उनमें से हमारे गांव में आके तो बहुत गरीब लोग थे, और बाद में वो क्रिस्तीकरण भी वो ऐसे तैसे सेवा देते थे, उनकी वजह से वो क्रिस्ती भी हो जाते थे, लेकिन बापू आने से काफ़ी फर्क पड़ा और क्रिस्तीकरण रुक गया हमारे गांव में। और बापू ने कुछ वहाँ मंदिर भी बनाया। हाँ, मंदिर बनाया, हनुमान जी मंदिर बनाया था। पहले तो ऐसे ही पत्थर थे, वो देव पत्थर के देवता हमारे थे, लेकिन बापू आए, उनकी वजह से हमारे गांव में बहुत अच्छा मंदिर बना और लोगों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। लेकिन आज आसाराम जी बापू जेल के अंदर बंद है, तो उसके भक्तों द्वारा क्या आज भी मतलब वो कार्य जारी है कि बंद हो गया? वो कार्य में तो कोई कुछ कमी नहीं आई है, वो जारी है, आसाराम बापू के भक्तों द्वारा वो कार्य जारी है। क्या करते हैं वो लोग यहाँ? यहाँ आके मातृ पुत्र पूजन करवाते हैं, फिर गरीब लोग रहते हैं उनको ठंडी लगती है तो उसको गर्म कपड़े, गर्म धाबले जैसे सब कुछ उसकी व्यवस्था पूरी करते हैं, खाना खिलवाते हैं, ऐसा सब कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म में वापस लाते हो। हाँ, वो लोग क्या ये बोलते हैं कि आसाराम जी बापू को मानो या कोई भी देवी देवता को मानो, वो लोग नहीं क्या करते? वैसा नहीं है, वो तो पहले भगवान को हिंदू में टके रहो ऐसा ही मानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बापू को ही मानो, कोई भी देवी देवता। हाँ, को कोई भी देवी देवता को मानो ऐसा है, लेकिन हिंदू तो में टके रहो ऐसा। आपका क्या मानना है? संत आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, आपका क्या मानना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वो गलत है, बापू को सजा नहीं होनी चाहिए। वो काफी अभी इतने बरस जो रहते तो डांग में बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, और परिवर्तन आता है, और ज्यादा परिवर्तन। उन्होंने बहुत हिंदू धर्म के लिए काम किया है। हाँ, हिंदू धर्म के लिए बहुत काम करवाया है, और जब से वो डांग में आया था तब से उनपे नजर थी कि ये धर्मांतरण का काम में रुकावट बना हुआ है, तब से इसीलिए इनको सजा मिली। और इसी वजह से सजा। हाँ, इसीलिए इनको सजा मिली। आप एक आरएसएस से जुड़े हो, क्या मांग करोगे देश की सरकार से, प्रशासन से, तो क्या मांग करोगे हमारी चैनल के माध्यम से? मैं बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही मांग करता हूँ। अगर बापू रिहा होके डांग जिले में आए तो फिर से मतलब ज्यादा परिवर्तन आएगा और हिंदुत्व में बचा रहेगा, मतलब। हाँ, वही है, बापू जल्दी से आए और यही कार्य जारी रहे, ये हमारी इच्छा है। आपने देखा भाई मूलचंद गांव के रहवासी है, आरएसएस से जुड़े हुए, 1998 में आरएसएस से जुड़े। इनका यही कहना है कि मूलचंद गांव में पहले धर्मांतरण काफी मात्रा में होता था, ईसाई मिशनरियां हिंदू को प्रलोभन देके उनको कन्वर्ट करती है, उनको ईसाई बनाती है। तो जब से संत आसाराम जी बापू 2003 में आहवा डांग क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने वहाँ हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की, और बापू के आने के बाद बोले काफी परिवर्तन आया था, मतलब जो कन्वर्ट हो चुके थे वो वापस हिंदू धर्म में वापस आ रहे थे। तो इनका यही कहना है कि तब से ईसाई मिशनरियों की नजर उन पे पड़ी थी, मतलब कि इनको कैसे भी करके फंसाया जाए तो हमारा काम आसानी से चल सके। तो हिंदूवादी संगठनों का और बापू का भक्तों का यही कहना है कि जो काम संत आसाराम जी बापू ने हिंदुत्व के लिए, जो धर्मांतरण रोकने के लिए जो काम किया, उस वजह से आज आसाराम जी बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई है। का यही कहना है आरएसएस से जुड़े, जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए।